तो गर्मियाँ आते ही हम सब खरबूजे का उपयोग करते हैं। तो खरबूजा हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी स्किन डल हो गई है, बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस हो गई, उसका टेक्सचर बिगड़ गया है और उसमें काले दाग धब्बे हो गए हैं, तो ये सब भी रिमूव करता है। आपके स्किन के पीएच लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखता है, डार्क स्पॉट्स को दूर करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं खरबूजे की। तो खरबूजे का जो फेस पैक है उसे ही हम बनाने वाले हैं, यानी कि हमारा जो आज का पैक है वो फ्रूट पैक है और वो खरबूजे पर आधारित है। तो जो खरबूजा है हमारी स्किन को फ्रेश करता है, पिगमेंटेशन घटाता है, जो स्किन में रिजुविनेट होते हैं उन्हें भी बनाता है, और आपकी स्किन को जो सूरज की हार्मफुल किरणें हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है और आपके स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्किन आपको बताते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खरबूजे के कुछ पीसेस को कट कर लेंगे। इस तरीके से छिकल हमें इसका हटा देना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा पेस्ट बन जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, तो बस हमें थोड़ा सा दरदरा टाइप का पेस्ट हमारा चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। तो 1 छोटा चम्मच पर्याप्त है। अगर आपको लगता है कि कम लग रही है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हनी। हनी भी हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमें आपस में अच्छे से मैश कर लेनी है, मिक्सिंग बेल है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल, जो कि प्लांट का है। मैंने कई रेमेडी में आपको फ्रेश प्लांट वाला ही एलोवेरा डाल करके दिखाया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारी सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल ना जाए। देखिए हमारी चीज़ें सारी मिल गई हैं और देखिए हमारा कुछ इस तरीके का टेक्सचर बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए हमारा पैक बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए, और इसे आप फिंगर से अप्लाई कर लीजिए। तो फिंगर से लगाना बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट रहता है। तो मैं पहले आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं पैक लगाऊँ, क्योंकि पैक लगा के बात करना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है, तो इसमें आप खरबूजे के का जो गूदा है यानी पल्प है उसे आप निकाल लीजिए, और उसमें आप बेसन और थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और उसे मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए। इसे अप्लाई करिए, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो इसमें हम जो खरबूजे का गूदा है उसमें हम थोड़ा सा दही मिला लेंगे। तो दही मिलाने से जो हमारी स्किन का जो जो ड्राइनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये जो हमारा पैक है ये ड्राई और नॉर्मल स्किन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। और आज जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, बिल्कुल मतलब काम ही नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रा जिसको बोलते हैं कि स्पॉटली यानी कि भद्दा, जिसको बोलते हैं कि भद्दा हो गया है, तो वो क्या करें कि जो खरबूजे का पल्प है उस पल्प को निकाल करके उसमें आधा आड़ू डाल दें और उसको ब्लेंड कर लें मिक्सी में, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर अप्लाई करें। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो मैंने आपको ये 3 पैक बताया। तो ये जो मैंने जो अप्लाई करने जा रही है नॉर्मल स्किन का, मैंने ड्राई का भी बताया और आपको ऑयली का बताया, लेकिन ये पैक हर कोई लगा सकता है, क्योंकि इसे मुल्तानी मिट्टी भी पड़ी हुई है और इसमें मैंने खरबूजे का पल्प डाला है और शहद डाला। तो शहद भी आपके पीएच लेवल को मेंटेन करेगा, जो खरबूजे का पल्प यानी कि जिसको कि हम लोग मस्क मेल बोलते हैं वो भी आपकी स्किन को फ्रेश और तरोताज़ा करेगा। और जो मुल्तानी मिट्टी हमने इसमें यूज़ की हुई है तो वो सन टैन से भी आपको बचाएगी और स्किन को आपके साफ और गोरा और बेदाग बनाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें, तो चलिए अब इसको हम फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लेते हैं। ये थोड़ा सा गिरेगा तो आप इसे लगा करके थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरीके से थपथपा थपथपा के पूरी स्किन पे आपको अच्छे से चिपको चीज चिपकाई जाती है उस तरीके से इसको चिपका लेना है आपको, क्योंकि ये देखिए गिरेगा इस तरीके से। और तो जब ये थोड़ा सा चिपक जाएगा आपकी स्किन पे, अगर आपको लगे कि ये आपका पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल करके ब्लेंड कर लीजिए मिक्सी में एक बार,
और फिर इसे अप्लाई कीजिए। देखिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है और ठंडा ठंडा मुझे एहसास हो रहा है। तो बस आपको इसे 15 मिनट रखना है, 15 मिनट बाद इसे आप प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। तो चलिए मैं सूखने के बाद और धोने के बाद आपसे मिलूँगी। तो देखिए मैंने चेहरे को वॉश कर लिया है और आप खुद देख रहे होंगे मेरा चेहरा कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। तो आप भी इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और आप इसे आप वीक में 3 बार लगाइए और आप खुद देखेंगे कितना अच्छा फ़र्क आपके चेहरे पर आ गया है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन फ्रूट पैक है आपकी स्किन के लिए। सभी प्रकार की स्किन वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी बेनिफिशियल है, अगर लगता है कि आपके किसी काम की है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लाएं जो आपके काम की हों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।